टू अनदर वीडियो। तो आज ना सुबह की शुरुआत हुई है किचन को क्लीन करने से। एक्चुअली ना गैस बड़ा क्लीन करने वाला हुआ था, तो सबसे पहले आज किया है गैस को क्लीन। तो यहाँ पे हमारा गैस हो गया बिल्कुल क्लीन, और इसके बाद मैं करूँगी दूध गरम ब्रेकफास्ट में लेने के लिए। और ये रहा हमारा गर्मा गर्म दूध। मैं रोज़ दूध नहीं पीती हूँ, पर आज मेरा दिल कर रहा था क्योंकि आज हमारे घर में पिन्नियाँ बनी हुई थी, तो मैं दूध के साथ ये पिन्नी खाऊंगी और एक ही खाऊंगी गर्म होती हुई। तो चलिए हम एंजॉय करते हैं अपना दूध। इसकी थोड़ी देर बाद मैंने खाई थी मेथी वाली रोटी, और उसके बाद हमारे कुछ स्टॉक आया था ट्वाइस का, तो उसको थोड़ा सॉर्ट आउट किया और इनको इनकी जगह पे लगाया। और इसके बाद मैं गूफी को ढूंढ रही थी और मुझे पता चला कि गूफी तो बाहर बैठा है। वो देखो गूफी धूप सेक रहा है। हेलो। और ये तो होगा ही होगा, जहाँ पे गूफी है हम हैं, कोई भी मेंबर है हमारी फैमिली का, इसको तो वहाँ होना ही होना है। और यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी कि गूफी को धूप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसको वापस घर जाना है। इसको वापस ले आई थी, और उसके बाद मैंने बनाया था ये किन्नू का जूस। आजकल किन्नू काफ़ी आ रहे हैं, ये ऑरेंज नहीं है, किन्नू है। ऑरेंजेस तो मुझे लगता है आजकल आई डोंट नो मिलते हैं नहीं मार्केट में, मिलते तो होंगे, मतलब इनका सीज़न ज़्यादा है किन्नू का। तो मैंने किन्नू का जूस बनाया। वैसे मैं इसमें अनार भी ऐड कर लेती हूँ, पर आज मेरे पास इसमें ऐड करने के लिए कुछ नहीं था, तो सिर्फ किन्नू का ही जूस पिया। मैं ना एक दिन ग्रीन जूस बनाने की भी प्लानिंग कर रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अगर मैंने बनाया, पर मुझे नहीं पता उसका टेस्ट कैसा होगा। चलो फिलहाल हम इसका टेस्ट देखते हैं कैसा है। तो ये मेरे पास जूसर है, इसमें ईजीली किन्नू ऑरेंज अनार इन सब का जूस इजीली निकल जाता है। तो हमारा जूस हो गया है रेडी। ये भी टेस्टी था, पर मुझे लगता है अगर इसमें अनार होता ना तो ये ज़्यादा टेस्टी लगता। और यार मुझे जाना तो था, कार्निवल लगा हुआ है चंडीगढ़ में, बट मैं वहाँ नहीं जा पाई, तो मैं आ गई हूँ अपने सैलून में। यहाँ कुछ प्रोडक्ट्स थे उनको चेक कर रही थी, और इवनिंग में था एक बर्थडे, उसके लिए हम केक देख रहे हैं। कितने प्यारे प्यारे केक हैं यार, यार इतनी सारी केक के ऑप्शंस देख के ना तो वैसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा केक लें। बट मोस्टली पाइनएप्पल केक ही मेरे को पसंद है, या बटर स्कॉच, दैट्स इट। ये बाकी आलतू फालतू के जो फ्लेवर्स होते हैं ना मेरे को समझ नहीं आते। तो यहाँ पे बहुत सारी पेस्ट्रीज भी थी, यम्मी। इसके बाद मैं आ गई हूँ घर पे, जिसका बर्थडे था उसके, और इन्होंने यहाँ पे बनाया था यम्मी यम्मी डिनर। तो डिनर करने के बाद मैंने पी कॉफ़ी, और यहाँ पे जो लोग कॉफ़ी नहीं पीते हैं वो लोग कोक लेके बैठे हैं। कोक खैर मैंने भी पिया था बाद में, पर मैंने कॉफ़ी भी पी थी। तो ये रहा बर्थडे बॉय, और ये लोग अपना कोक चिप्स ये सब इंजॉय कर रहे थे। मैंने भी खाए थे चिप्स। मैं आजकल इतना जंक खा रही हूँ ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। ये जूस तो चलो जो है अभी कल की ही बात बताती हूँ आपको। कल मैंने दो बार चाय पी है, दो बार मैंने कॉफ़ी पी, और बर्गर खाया। बट आई विल ट्राई। मैं धीरे धीरे हेल्दी खाने की कोशिश कर रही हूँ, एंड आई नो आई कैन डू इट। मैं कर लेती हूँ। ये ना बीच में कभी कभी ऐसा झटका आता है कि हम ये भी खा वो भी खा वाला सीन, बट अभी नहीं खाऊँगी। आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो जो भी चेंजेस मैं अपने लाइफस्टाइल में कर रही हूँ। एंड यस, नेक्स्ट वीडियो मैं पोस्ट करूँगी चंडीगढ़ कार्निवल की, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल्सो। Bye-bye, take care.